अदारा महफिल खुश रंग का नवा सालाना जलसा एजाजिया और मुजाकरा हिंदुस्तान के पहले नोबल इनाम याफ्ता शायर व अदीब श्री रविंद्रनाथ टैगोर की किताब गीतांजलि पर कामयाबी से हमकनार हुआ, जिसकी सदारत हलीम साबिर ने की और नकाबत के फ़राइज़ ताहिर बेग दहलवी ने अंजाम दिया। प्रोग्राम का आगाज़ हमद पाक से बेगम वारसी के मतरजी आवाज़ में हुआ। बाद इफ्तिताही कलमात इस्माइल परवाज़ ने अदा किए और कहा कि महफिल खुश रंग एक अदबी अदारा है जिसके सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल खां अदब नवाज़ होने के साथ साथ बच्चों की शायरी भी करते हैं। बड़ी खूबी से ये अपने बैनर तरह कलकत्ता, हावड़ा और मज़ाफ़ात के शोरा और अदबा की हौसला अफजाई, उनकी गरा कदर खिदमात और पर एजाज दिया करते हैं जो काबिल सताइश है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके इस अज़्म को सलाम करता हूँ और नेक दुआओं से भी उन्हें नवाजता हूँ। वो हमेशा इस सही को जारी रखें ताकि उर्दू ज़बान को फ़रोग मिलता रहे। मौसूफ़ ने टैगोर की बंगला नज़्म को उर्दू में सामीन के गोशे गुजार किया, जिसे सबों ने पसंद किया। प्रोग्राम के पहले दौर में कनाडा से आए मेहमान कलमकार तहसीन मोहम्मद ने टैगोर पर बहुत ही मालूमती गुफ्तगू की और कहा कि उनका कौमी तराना हिंदुस्तान के 3 पड़ोसी मुल्कों में पढ़ा जाता है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल है। अशर हाशमी ने गीतांजलि के हवाले से मुल्क में अमन व अमान का पैगाम दिया। जैद अनवर ने महफिल खुश रंग और सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल खां की तारीफ़ की और कहा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से उर्दू जबान को खूब फ़रोग मिलता है, मैं हमेशा उनके साथ। हजा अहमद हुसैन ने भी टैगोर के ताल्लुक से पुरमज़ गुफ्तगू की, ज़मीर गीतांजलि पर मुख्तसर गुफ्तगू की, तमाम इनाम याफ्तगान को मुबारकबाद दी और चंद गुबारियाँ टैगोर के हवाले से पेश किए। दूसरा दौर तकसीम अवार्ड का था, जिसमें अकबर हुसैन अकबर को डाक दहलवी अवार्ड, इस्माइल परवाज के हाथों राजेंद्र साहु के बेटे अजय साहु को मदद टेसा अवार्ड, जैद अनवार के हाथों अशरफ याकूबी को मुजफ्फर हम्बी अवार्ड, जमीर यूसुफ के हाथों डॉक्टर शबीर अब्रवी को इस्माइल मीरठी अवार्ड, तीसरे तहसीन मोहम्मद के हाथों डॉक्टर वासिफ अख्तर को COVID-19 अवार्ड, मुख्तार अहमद फरदीन के हाथों अजीम अंसारी को मीर अमन दहलवी अवार्ड, शहजाद सलीम के हाथों मोहम्मद मोहसिन मोहसिन बाहुश इसरत को आदिल असीर दहलवी अवार्ड, एडवोकेट इम्तियाज़ अहमद के हाथों डॉक्टर खुर्शीद इकबाल। खुर्शीद अवार्ड दिए गए। इसी तरह कैसर शमी अवार्ड हलीफ साबिर के हाथों डॉक्टर शाहिद फरोगी को, अलकमा शिबली अवार्ड डॉक्टर अली फंसारी के हाथों नसुल्ला नसर को, रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड ख्वाजा अहमद हुसैन के हाथों उमा झुनझुनवाले को, उत्तम कुमार अवार्ड नासिर खान को, सामाजिक खिदमत अवार्ड और मोहतरमा रेहाना खातून को सिल्वर जुबली अवार्ड दिए गए। साथ ही IMKR की जानिब से नई नस्ल के 13 तलबा और तलबात को एजुकेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। शुरका में शमाना सईद, मोहतरमा रौनक अफरोज, मोहतरमा नादरा नाज, सुल्तान साजिद, बिस्मिल यूसुफी, डॉक्टर उमर गजाली, शमसुल हक शम्स, जलालुद्दीन खान, डॉक्टर सुल्तान साहिब, डॉक्टर राज मोहम्मद, कमरुद्दीन कमर, हलीम हाजी, खुर्शीद वारसी, फखरुद्दीन वारसी, निज़ामुद्दीन अंसारी, हारून, परवेज़ इकबाल, परवेज़ आलम बुलंद इकबाल, अनवारुल हक वारसी, नसीम फायद बशी, हरवी गजाला जहूर, नगमा खातून, दरख्शा जमाल, फचिन सईद, मोहम्मद इब्राहिम, खुर्शीद जमाल, नाजिश फराज, वीर बिहारी सिंह, रियाजत हुसैन, मोहम्मद बाजिद, अकरामुल हक, सलीम अंसारी, एब अंसारी, सादिक अंसारी, मिधा मिश्रा, संजीता मिश्रा, जावेद अख्तर, अख्तर हुसैन, शुभांग साव, शन शहजाद, रामनाथ, सईद नहा यादव, प्रिया यादव, शिवानी झा, सैद मोज़ अहमद वगैरह काबिल जिक्र। मुंतजमीन में अब्दुलरहीम अंचल, वासी सुल्तान, कैसर अशरफी, मोहम्मद अब्बास और तैर वगैरह पेश पेश हैं। बोलो तो आपको क्या बोलना जा रहे फ्रेम में, यहाँ से भी हो जाए तो वाइट करोगे ना आएंगे तो बहुत पहले बात को